सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और भोलेनाथ जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें। तो आज मैं ना आप लोगों के साथ बहुत कम बजट में मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ, वो भी 50 के अराउंड। जो भी मेकअप प्रोडक्ट होंगे 50 के अराउंड ही होंगे, 50 से कोई भी ज़्यादा नहीं होगा, मतलब 50 रुपये से कोई भी प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं होगा। जो भी प्रोडक्ट होंगे 50 के अंदर ही होंगे, 50 के अंदर। तो आज मैं पूरा आपको मेकअप जो है 50 के अराउंड ही मेकअप करके दिखाऊंगी। आई होप आपको आज का जो मेकअप है बहुत ज़्यादा पसंद आए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा कुछ प्रोडक्ट नहीं होते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है ये वीडियो। तो बिना टाइम गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिया हुआ है रोज वाटर, और ये मुझे ना ओनली 10 रुपीज की ली हुई थी मैंने। लोकल में बोटल को ले सकते हैं, ये 20 रुपीज की आपको ये बोटल स्प्रे बोटल मिल जाएगी लोकल मार्केट से। तो इसमें डाल के आप स्प्रे कर सकते हैं। तो इसमें अभी थोड़ा है तो मैं इसको ही स्प्रे कर लूँगी इस तरीके से। और मैंने फेस क्लीन कर लिया था पहले ही। कोई सीरम वगैरह आपको जो सीरम होता है 50 के अराउंड तो मिलने वाला है ही नहीं, तो इन सब सीरम में यहाँ पे नहीं लगाऊंगी। और आपको प्राइमर भी यहाँ पे 50 में नहीं मिलेगा, तो आप क्या कर सकते हैं कि सीरम की जगह आप जो विटामिन ई के कैप्सूल होते हैं तो उनको ले सकते हैं, बट मेरे पास अभी नहीं है। हम प्राइमर लगाते हैं, अगर आपके पास एलोवेरा जेल है तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं, क्योंकि प्राइमर भी आपको 50 में, हाँ हुडा ब्यूटी का आता है एक बट मेरे पास नहीं है। तो बस मैं डायरेक्टली अब लगाऊंगी यहाँ पे जो है कि फ्रूट क्रीम। आप जो भी मॉइस्चराइज क्रीम लगाते हैं तो आप उसको लगा सकते हैं। इसको पूरे फेस पर अच्छे से लगा लें। मॉइस्चराइज करना हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप फटे नहीं और अच्छा रहे, तो आपको मेकअप में सबसे पहले जो होता है मॉइस्चराइज करना ज़रूरी होता है। वरना क्या होता है कि आपकी स्किन ड्राई होने लगती है, अगर आप मॉइस्चराइज नहीं लगाएंगे तो आपकी स्किन ड्राई होगी और जो हम मेकअप करेंगे वो फटाफटा सा हो जाएगा। तो आपको मॉइस्चराइज लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोकल मार्केट से लेके आई थी ये हुडा ब्यूटी का है लिक्विड फाउंडेशन, और इस पे MRP तो डली है 95, बट मुझे ये 45 का पड़ा था। तो मैं आज इसी से मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। पहले ना मैं आई मेकअप करूँगी, के लिए मुझे कंसीलर चाहिए, तो कंसीलर तो है नहीं, तो मैं क्या करूँगी इसको इस तरीके से हैंड में निकाल लूँगी। 10 रुपीज़ की बीबी क्रीम ली हुई थी स्पंज की, तो मैं इसको मिक्स कर लूँगी। इससे क्या होगा कि ये थोड़ा थिक हो जाएगा, तो ये कंसीलर का काम करेगा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्पंज पाउडर ले लूँगी और इसको थोड़ा सा, देख सकते थोड़ा सा ही लिया मैंने, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये कंसीलर का काम करेगा, थोड़ा कवरेज का अच्छा सा हो जाएगा, आई कवरेज फिंगर से ही। देख सकते आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी कर सकते। 10 रुपीज़ का पड़ा था तो मैं इससे सेट कर लूँगी इसको हैंड पर लेके। इसको हमने सेट कर लिया आई मेकअप के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके की मैंने डिब्बी ली हुई थी, और ये मुझे 40 या 50 के अराउंड ही पड़ी थी, काफ़ी टाइम हो गया तो सही से याद नहीं है, बस 50 से ज़्यादा की नहीं है, 50 के मतलब 40 ऐसी 35 इसी टाइप की। तो मैं ये 2-3 कलर लेके आई थी और भी रखे हुए हैं, तो मैं इसी से आई मेकअप करूँगी। तो इसको हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। इसके बाद मैं रेड कलर पिक करूँगी, रेड ग्रीन है, और बीच में ना मैं हल्का सा गोल्डन टच दूंगी फिंगर से ही। कलर मैं दूसरी आईज पर भी कर लूँगी। आई मेकअप कर लिया और इसके बाद मैं आईलाइनर लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने देख सकते दूसरा ब्रश लिया हुआ है, क्योंकि इसके साथ जो ब्रश था वो बहुत पतला था और मुझे थोड़ा हैवी सा लगाना था, और फिर बाद में मैंने उसी ब्रश के साथ आईलाइनर के साथ जो ब्रश था उसी से लगाया इनर आउटर कॉर्नर पर। और इसके बाद मैं आईब्रो फिल कर रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 5 रुपीज़ की ADS की पेंसिल ली हुई है, ये मैंने लोकल मार्केट से ली हुई थी। तो मैं आईब्रो को फिल कर लूँगी दोनों आईब्रो। तो मैंने दोनों आईब्रो को फिल कर लिया और इसके बाद मैं लगाऊंगी काजल। तो यहाँ पे मैंने ADS का काजल लिया हुआ है, ये भी मुझे 5 रुपीज़ की पड़ा था काजल, लोकल मार्केट से लिया हुआ था मैं।
और आई मेकअप करने के बाद मुझे थोड़ा लग रहा था कि मुझे आई मेकअप अच्छा नहीं लग रहा था, तो मेरे पास लिक्विड ब्लू कलर का आईलाइनर था, तो मैंने आईलिड के बीचों बीच थोड़ा सा ब्लू टच दे दिया था, तो इससे लुक चेंज सा लग रहा था थोड़ा। और यहाँ पे देख सकते मैं काजल लगा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका काजल लॉन्ग लास्टिंग रहे, तो काजल लगाने के बाद आप ना आईलाइनर की लाइन ड्रॉ कर दे, जिससे कि हमारा काजल लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। और आप इसको काजल लगाएं तो स्मच भी कर दे, जिससे कि काजल फैलता नहीं है। और यहाँ पे मैंने हुडा ब्यूटी का फाउंडेशन लिया हुआ है, ये मुझे 50 रुपीज़ का पड़ा था, 45 का पड़ा था, लोकल मार्केट से लिया हुआ था। तो मैं इसको पूरे पूरे फेस पर लगा लूँगी और फिर इसको ब्लेंड करूँगी। अगर आप चाहें तो ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश या हैंड से भी ब्लेंड कर सकते हैं। तो ये मेकअप मैं 50 के अंडर ही आपको करके दिखा रही हूँ। 50 रुपीज़ में हमें क्या चाहिए, मतलब 50 रुपीज़ के हिसाब से बहुत अच्छा कवरेज था इसका, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि 50 रुपीज़ में कुछ नहीं मिलता आजकल। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। तो देख सकते हैं मैंने अच्छे से इसको ब्लेंड कर लिया, और कवरेज आप देख ही सकते हैं कि कैसा मिला मुझे। और इसके बाद मैंने स्पंज की भी क्रीम ली हुई थी, जहाँ पर मुझे हाईलाइट करना था, तो उसके बाद मैंने हाईलाइट किया। फाउंडेशन को मैंने ब्लेंड कर लिया और यहाँ पर मैं मेकअप को सेट करूँगी। तो यहाँ पर मैं स्पंज बीबी क्रीम से ही मेकअप को सेट करूँगी। सेट कर ले तो हम इसको सेट कर लेंगे। भी कर सकते हैं। पैलेट मुझे पूरी पैलेट मतलब मुझे 150 की पड़ी। तो यहाँ पे मैं लिपस्टिक से कंट्रोल करूँगी, और आप चाहें अगर आपके पास कंट्रोल नहीं है तो आप लिपस्टिक से भी कर सकते हैं, बहुत अच्छे से हो जाता है इससे। और ये लिपस्टिक सेट ना मैंने मीशो से मंगवाया हुआ था, और जैसे हम लोकल मार्केट से खरीदते हैं 50-100 की लिपस्टिक, वो इतना नहीं होती अच्छी, लेकिन जो ये आप लिपस्टिक देख रहे हैं सच में कम से कम 5-6 घंटे आराम से चल जाती है, और ज़्यादा ही, मतलब जब छुटाते हैं तभी छूटती है। तो पैसों के हिसाब से ना बहुत अच्छी लगी, तो आप लोग भी इसे प्लीज़ ज़रूर एक बार ट्राई करें, मंगवाएँ। ब्लस नहीं है, और 50 रुपीज़ में मेरे ख्याल से कोई ब्लस नहीं आता, तो आप चाहें तो लिपस्टिक का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं पिंक लिपस्टिक लूँगी और इसी से मैं ब्लश करूँगी इस तरीके से हल्का सा नोज पर, और इसको ना हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, ब्यूटी ब्लेंड ऐसे ब्लेंड कर लेंगे। ऐसा ही आपको ब्लश का ही लुक देगा, ये पिंकी पिंकी नेचुरल सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि नेचुरल पिंक बहुत अच्छा लुक आ रहा है इस लिपस्टिक से भी। तो आप लोग भी इसी तरह कर सकते हैं। बाद में हाईलाइट करूँगी, तो हाईलाइट मैंने ली हुई थी, लिक्विड हाईलाइट है देख सकते हैं आप, और ये भी मुझे 50 के अराउंड ही पड़ी थी, तो मैं आज इसी से हाईलाइट करूँगी। और ये लिक्विड फॉर्म में है देख सकते हैं आप, हाई बीन्स लिक्विड। और ये हाईलाइट लिक्विड हाईलाइटर है, तो इसका कवरेज थोड़ा कम है, तो आपको थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा लेनी होगी। और यहाँ पे देख सकते हैं मैं आईब्रो के नीचे भी हाईलाइट कर लूँगी, और इसको हल्के से ब्लेंड करना, आपको रगड़ना नहीं है, अगर आप रगड़ेंगे ना तो पूरा आपका हाईलाइट ब्यूटी ब्लेंडर में ही आ जाएगा। तो देख सकते हैं डब डब करके आपको इसको लगा लेना है। मैंने हाईलाइट कर लिया और इसके बाद मैं लगाऊंगी लिपस्टिक। लिपस्टिक पहले आप अपने होठों को मॉइस्चराइज करें। और ये लिपस्टिक भी मैंने लोकल मार्केट से ली हुई थी, ये मुझे 40 या 50 की पड़ी थी। नी लिपस्टिक देख रहे हैं ना, ये भी बहुत टाइम तक चल जाती है, मतलब 4-6 घंटे आराम से चल जाती है। तो देख सकते हैं आप, मैंने आगे बाल निकाल लिए और पीछे के बालों का मैं हल्का सा पफ बनाऊंगी इस तरीके से, पफ बनाऊंगी। ये तो आप इसको भी लगा सकते हैं, तो मैं इसको लगा लूंगी। और यहाँ पे मैंने थोड़े से पीछे बाल लेके पप बना लिया, और अब मैं थोड़े से बाल ले लेके क्रम्पिंग कर लूँगी। क्रम्पिंग कैसे क्या होता है, हमारे बालों में वॉल्यूम आ जाता है, तो देख सकते हैं थोड़े थोड़े से ही बाल लेने आपको क्रम्पिंग करने के लिए। आप ज़्यादा लेंगे तो अच्छे से नहीं होगा, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके खिसकाते जाना, जिस तरीके से देख सकते हैं मैं खिसकाते जा रही हूँ। इससे हमारे बालों में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है, और हमारा जो हेयर स्टाइल है बहुत सुंदर लगता है। तो इसी तरह मैं दोनों साइड कर लूँगी। तो देख सकते हैं मैंने दोनों साइड बालों में क्रम्पिंग कर ली, और आज मैंने आपको हेयर स्टाइल भी करके दिखाया है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपको हेयर स्टाइल कैसा लगा। और बस अब मैं हेयर स्टाइल बनाऊंगी, देख सकते हैं आप किस तरीके से। तो मैंने एक साइड से थोड़े से बाल लूँगी, थोड़े से निकाल दूँगी कर्ली करने के लिए, और यहाँ पर मैं बैक कॉमन कर रही हूँ, क्योंकि हमारा जो बालों का वॉल्यूम है और अच्छे से आ जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं मैंने राउंड करके और पीछे के साइड क्लिप लगा लूँगी, और इसी तरह देख सकते हैं आप मैं दूसरी साइड भी बैक कॉमन करके, जिससे कि हमारे बालियों का जो वॉल्यूम है और अच्छे से आ जाए, तो मैं इधर भी कॉम कर लूँगी।
और इससे आप ऊपर से अच्छे से कॉम कर लें, देख सकते हो। इधर भी मैं बाल निकाल लूँगी कर्ली करने के लिए, और आप देख सकते हो हल्का सा ट्विस्ट करके, और मैं बालों को पीछे से क्लिप लगा लूँगी। और मुझे ना मांग टीका भी लगाना था, तो मैं मांग टीका भी लगाऊंगी बाद में। यहाँ पे ना मैं सुई और धागे की हेल्प से मांग टीका लगा लूँगी। ये रहा मेरा फाइनल लुक, तो देख सकते हैं आप। और मैंने हेयर स्टाइल बनाया है, और देख सकते किस तरीके से मैंने हेयर स्टाइल बनाया था। अगर आपको लॉन्ग लास्टिंग हेयर स्टाइल चाहिए कि ज़्यादा टाइम तक टिका रहे, तो आपको हेयर स्प्रे, जो स्प्रे होती है उसको स्प्रे करना होता है, तो आपका जो हेयर स्टाइल है बहुत टाइम तक टिका रहेगा। और अगर आप चाहते हैं कि 50 अराउंड में जो आपने मेकअप मैंने मेकअप किया है अगर थोड़ा टाइम तक टिका रहे, तो आप जो मेकअप स्प्रे होता है उसको भी यूज कर ले, तो उससे भी काफ़ी टाइम तक टिका रहेगा। तो आज का ये मेकअप लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का आपको मेकअप लुक कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहो, हैप्पी रहो, मुस्कुराते रहो। और 50 अराउंड का मेकअप लुक कैसा लगा जरूर बताना।